राजस्थान से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में वापसी करने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सिंधिया को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब लंबे समय तक बीजेपी में नहीं टिक पाएंगे और एक बार फिर कांग्रेस में नजर आते दिखेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता वाली स्थिति निर्मित होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद लगातार महाराज दिल्ली में बैठे हुए हैं। वही भोपाल पहुंचे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। वही महाराज अपने गढ़ ग्वालियर में नहीं पहुंचे। ग्वालियर की जनता महाराज से उम्मीद लगाए बैठी है। रोजगार के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर, लेकिन महाराज है कि ग्वालियर ही नहीं जा रहे हैं। उनके मुद्दे तो बहुत ही दूर की बात है। महाराज के गढ़ ग्वालियर के किले के बाहर खड़े एक ऑटो वाले युवक ने कहा कि इस युवा को रोजगार चाहिए, लेकिन महाराज है कि सूद भी नहीं ले रहे हैं। ऑटो युवक ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले और जहां हम खड़े होते हैं वहां ज़्यादा ऑटो ही खड़े होते हैं और टेम्पो युवाओं के लिए कोई भी योजना भी नहीं निकाली गई। युवक ने आगे कहा कि हमने रोजगार के लिए आंदोलन भी किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने आंदोलन पर लाठियां भी चलवाई और आप सब जानते हैं कि भोपाल में किस तरह से रोजगार मांगने वालों के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक किसान ने भविष्यवाणी भी की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब लंबे समय तक बीजेपी में नजर नहीं आएंगे और जल्द ही कांग्रेस में वापसी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी शासन प्रशासन किसी की भी नहीं सुनती। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं शिवराज सिंह चौहान के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि हमारे समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया जाए। वही बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायक एवं शिवराज समर्थक मंत्रिमंडल की राह जो रहे हैं। इस स्थिति में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए एक अड़चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ फैसला लेते हैं और बीजेपी में कितने दिन टिके रहने के बाद कांग्रेस में वापसी करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।